share the online classes. Today I am here with your chapter number 11, shapes and patterns. So students, open your book, your page number 168. Okay, chapter number 11, 168, page number. Open your book and have a look for this picture. Okay students, यहाँ पर देखो देखो कि ये picture जो है, एक क्या है, एक पिक्चर है, एक पिक्चर है, तो इसमें बहुत सारे शेप्स हैं, शेप्स हैं कि नहीं, तो इनमें से कुछ शेप, सो हियर वी हैव सम रेगुलर शेप्स. सो रेगुलर शेप्स मीन्स व्हाट? द शेप्स हैविंग साइड्स. जो शेप में हमारा साइड्स होता है उसको हम रेगुलर शेप बोलते हैं. तो इनमें से तुम आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन सा तुम्हारा रेगुलर शेप है. तो यहाँ पर देखो, दिस वन इज ए रेगुलर शेप, दिस इज योर सर्किल एंड दिस इज योर रेक्टेंगल, दिस वन ऑल्सो रेक्टेंगल, हियर स्क्वेयर, हियर ट्राइंगल. सो लुक एट दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई ऑल द रेगुलर शेप. ओके, नेक्स्ट इज योर, वी हैव सम रेगुलर शेप्स, कॉमन रेगुलर शेप्स दैट आर ए सर्किल. Here are the pictures of your regular shapes. Here one is, first one is your circle and triangle, square, rectangle. Circles means क्या होता है? तुम्हारा एक गोल होता है, पूरा राउंड होता है, वो होता है हमारा सर्किल. और इसका क्या होता है? साइड होता है. इट हैज नो साइड बट इट हैज ए सर्कमफेरेंस. ये जो साइड में तुम्हारा जो ये राउंड है इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं. इसका साइड नहीं होता पर ये रेगुलर शेप के अंडर आता है क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस है. नेक्स्ट इज योर ट्राइंगल. ट्राइंगल हैज हाउ मेनी साइड? 1, 2, 3 साइड्स. ट्राइंगल के पास कितना साइड है? 3 साइड्स है. नेक्स्ट कम टू द स्क्वायर. स्क्वायर का देखो, स्क्वायर क्या होता है? तुम्हारा ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल. तुम्हारा सारा जितना साइड है भी है वो तुम्हारा क्या होता है? इक्वल मेजरमेंट होता है. ये अगर 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर. सो स्क्वायर हैज 1, 2, 3 and 4 साइड्स. ओके, नेक्स्ट इज योर रेक्टेंगल. हियर रेक्टेंगल द अपोजिट साइड आर इक्वल. यहाँ पर देखो, इसका ये साइड और ये साइड जो होता है इक्वल लेंथ का होता है और ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ होता है. तो देखो, इसका कितने साइड्स है? 1, 2, 3, 4. सो ए रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? रेगुलर शेप्स. नेक्स्ट इज योर अबाउट सॉलिड शेप्स. सो सॉलिड शेप्स मीन्स व्हाट? द शेप्स हैविंग फेस, vertex and vertices or vertex and edges are called what? Solid shapes. तो जो तुम्हारा शेप में जो कोई भी चीज हो तुम्हारा, तो अगर उसका तुम्हारा फेस रहता है, फेस मीन्स क्या होता है? सरफेस. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग दिस इज ए चॉक बॉक्स. हियर ये जो होता है सरफेस होता है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, नीचे भी सरफेस, साइड में हर तरफ सरफेस है. So these are called face. Okay, these are called faces. Okay, and next is your about edges. Edges means क्या होता है? Edge means the ये line. ये line जो होता है क्या होता है? Edge होता है. The these two when two face meet at a side is called edge. ये एक face है, ये एक face है. तो देखो, ये दोनों face जो है यहाँ पर मेट किए, यहाँ पर मेट किए ही नहीं, तो ये जो लाइट फॉर्म होता है तो होता है तुम्हारा क्या? एज. नेक्स्ट इज योर वर्टेक्स. वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स व्हाट? व्हेन व्हेन थ्री एजेस मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? एज है. इधर भी एक एज हुआ, इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, तो ये एज हुआ कि नहीं? नेक्स्ट इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, तो ये भी एक एज हुआ. तो देखो, ये थ्री एज एक पॉइंट पर मीट किए, यहाँ पर मीट किए. जैसे कि दिस इज योर क्यूबॉइड. ओके, वेयर मेकिंग इट
few words here. Here,
some shapes are given and the face, vertices and edges are number of faces, vertices and edges are also given. Read this. Okay, so this is your cube. In a cube, how many faces? 6 faces, vertices is 8. अभी हम ये बॉक्स लेकर किए थे, काउंट किए थे कि नहीं? नेक्स्ट एजेस 12. ओके, नेक्स्ट इज योर अबाउट सिलेंडर. सिलेंडर में कितने वर्टेक्स होते हैं देखो, सॉरी फेसेस. फेसेस इज योर हियर, दिस वन इज योर रॉन्ग. इन ए सिलेंडर है, ऐसा होता है तुम्हारा सिलेंडर. ओके, ये होता है तुम्हारा सिलेंडर. तो देखो यहाँ पर जो है ये एक फेस होगा, ये एक फेस होगा कि नहीं, और ये जो है और एक फेस होगा, ये और फेस होगा. अगर तुम एक लॉग लोगे, लॉग मीन्स क्या होता है, लकड़ी. लकड़ी देखे है ना, पूरा राउंड. कोई भी अगर स्टिक ले, स्टिक ले रहे हो या फिर रॉड ले रहे हो, कुछ भी, तो देखो ऐसे गोल रहता है, उसको लंबा सा रहता है और गोल रहता है, और ऊपर कट किए रहोगे वो एक सरफेस होगा, नीचे एक सरफेस होगा, और साइड जो राउंड जो होगा वो एक सरफेस होगा. सो वी हैव 3 फेसेस एंड दिस वन इज रॉन्ग. सो फॉर दिस यू राइट 3 फेसेस हियर एंड द वर्टिसेस. वर्टिसेस मीन्स फॉर द कॉर्नर पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिसेस, बट हियर इन सिलेंडर देयर इज नो पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट, सो देयर इज वर्टिसेस इज 0. नेक्स्ट इज योर अबाउट एजेस. Edges is your 2. Here these are the edges. यहाँ पर देखो हमें 2 edges मिला, edge मिला, 2 edges मिला. So in a cylinder there are 2 edges. Next is about cone. Cone देखिए हो ना, cone means क्या होता है, तुम्हारा ice cream cone जो खाते हो, वो वाला cone देखिए हो, या फिर birthday cake जो होता है, concept में होता है कि नहीं? तो उसमें तुम्हारा है faces 2. टू फेसेस, द आउटर सरफेस एंड द इनर सरफेस. बाहर जो सरफेस होता है वो होता है, और एक जो अंदर जो सरफेस होता है वो होता है तुम्हारा टू फेसेस. दोनों हुआ टू फेसेस. नेक्स्ट वर्टिसेस. वर्टिसेस मीन्स क्या होता है, तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट बोली थी. तो देखो ये जो कोन है इसमें कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिला हमें, सो ए कोन हैज वन वर्टिक्स. ओके, नेक्स्ट इज योर अबाउट एजेस. एजेस द लाइन, ये जो लाइन है ये तुम्हारा एजेस है. सो वी हैव 2 एजेस इन कोन. नेक्स्ट कम टू द स्फीयर. स्फीयर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, स्फीयर जो होता है तुम्हारा जैसे कि फुटबॉल. फॉर एन एग्जाम्पल वी आर टेकिंग फुटबॉल. फुटबॉल जो होता है पूरा गोल होता है, और अंदर क्या होता है, हवा होता है, एयर होता है कि नहीं? तो देखो पूरा फुल के होता है. अगर हम सर्किल, सर्किल इज ए स्फीयर रेगुलर से, बट ए स्फीयर, स्फीयर जो होता है पूरा हर तरफ से गोल होकर रहता है. बट सर्किल को हम क्या करते हैं, बस बस हमें अगर हम एक रिंग ले रहे हैं, ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे कुछ भी अगर
ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा लाइंस होता है। सो वी हैव टू लाइंस, वन इज योर कर्व लाइन एंड सेकंड वन इज योर स्ट्रेट लाइन। सो कर्व लाइन को जानते हो, जो तुम्हारा अप एंड डाउन होता है, ऐसे से रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, कुछ भी ऐसे रहेगा, कर्व हो के रहेगा, तेरा होके ऐसा अप डाउन होगा, तो होता है तुम्हारा क्या, कर्व लाइन। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो पूरा सीधा होता है, थोड़ा सा भी टेढ़ा ऐसे 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 नहीं होगा, पूरा जो स्ट्रेट होता है वो होता है तुम्हारा क्या, स्ट्रेट लाइन। अगेन योर स्ट्रेट लाइन इज डिवाइडेड इन, स्ट्रेट लाइन इज थ्री टाइप्स, वन इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड वन इज योर वर्टिकल, वन इज योर हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड वन इज योर वर्टिकल एंड थर्ड वन इज योर स्लो लाइन, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स व्हाट, ए स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अगर हम एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करें, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, हम अगर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो होता है तुम्हारा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट इज योर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ए लाइन, ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। हम अगर इसको ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर लेते हैं, ऐसा जो होता है वो तुम्हारा वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और जो तुम्हारा ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर होता है होता है क्या, तुम्हारा वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट स्लोप लाइन। स्लोप लाइन क्या है, जो लाइन तुम्हारा स्ट्रेट तो रहेगा बट टेढ़ा रहेगा, तिरछा रहेगा ऐसे, तो ये होता है तुम्हारा क्या, स्लोप, या फिर ऐसे भी हो सकता है, दिस इज योर स्लोप लाइन। ओके, सो नेक्स्ट इज योर अबाउट क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर। क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर। क्लोज फिगर मीन्स क्या, क्लोज मीन्स तो बंद और ओपन मीन्स खुला रहना, ये तो मालूम है कि नहीं। तो क्लोज फिगर मीन्स क्या होता है, अगर तुम्हारा कोई भी सेम फिगर में कोई भी पिक्चर, ओके दिस इज योर, दिस वन इज योर व्हिच फिगर, सर्किट, दिस इज योर सर्किट, दिस इज योर क्लोज फिगर और ओपन फिगर। क्लोज फिगर्स में क्या होता है, कहीं पे भी ओपनिंग नहीं रहेगा, अगर यहाँ पर एक ओपनिंग रहेगा, ये खुला हो गया ओपन हो गया, सो दिस इज योर ओपन फिगर हो जाएगा। अगर पूरा तरफ से हर तरफ से पूरा बंद रहेगा तो होगा क्या, तुम्हारा ओपन फिगर, दिस इज योर एग्जांपल ऑफ क्लोज क्लोज फिगर। ओके, अगर हम कोई भी ऐसे में ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पर कहीं पर भी ओपनिंग है क्या, नहीं है, सो दिस इज योर क्लोज फिगर। ओके, क्लोज फिगर, दिस इज क्लोज फिगर। अगर हम ओपनिंग ओपन फिगर का देखते हैं, ओपन फिगर का एग्जांपल, जैसे कि ये हम एक शेप ड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन है कि नहीं, सो दिस इज योर ओपन फिगर। अगर हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं ऐसे, यहाँ पर देखो ओपन है, सो दिस इज योर ओपन फिगर। अगर हम ये देखो, यहाँ पर ओपन है, सो दिस इज योर ओपन फिगर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज फिगर। ओके, नेक्स्ट इज योर सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्री फिगर, सिमेट्री फिगर मीन्स व्हाट, ए फिगर व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक फिगर को अगर हम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री फिगर। एंड द लाइन व्हिच डिवाइड द फिगर इज कॉल्ड सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री लाइन। ओके, एंड द पार्ट्स, टू पार्ट्स आर कॉल्ड सिमेट्री, एंड टू पार्ट्स आर कॉल्ड सिमेट्री साइड। ओके,
look this flower. This is a flower. Can you divide this in two equal parts? Yes, we can. It has a symmetry. It is a symmetric figure. Next, this is your ball. इसको हम कर पाएंगे कि नहीं? Yes. इसको ये जो है केक है, इसको भी हम कर पाएंगे. So this is a symmetric figure. This one also symmetric figure. And this one also we can divide into we can divide it into two equal parts. So this is a symmetric figure. This is your slate. It can be also. It can also. Next is this is your rectangle shape. ये भी हो सकता है. This is your cell phone. सेल फोन में देखो यहाँ पर सेप्स जो है टू इक्वल पार्ट्स में हो पाएगा कि नहीं? हो जाएगा. तो ये क्या होगा? तुम्हारा सिमेट्री फिगर. नेक्स्ट कम टू ट्राइंगल सेप. यहाँ पर तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा इक्वल टू पार्ट्स में हो सकता है. सो दिस इज योर सिमेट्री फिगर. नेक्स्ट इज अबाउट ए सिमेट्रिक फिगर. ए सिमेट्री फिगर मीन्स व्हाट? ए शेप विच कैन नॉट बी divided into two equal parts is called asymmetric figure. जैसे कि this is your parrot. अगर हम ये parrot को equal two parts में divide करें तो हो पाएगा कि नहीं होगा? Next ये जो dog है, ये dog है, dog है कि नहीं? तो इसको हम अगर यहाँ से divide करेंगे तो इधर leg part रहेगा, इधर head part. Head में leg नहीं रहेगा, leg में head नहीं रहेगा, तो equal two parts में नहीं हो पाएगा. या grapes भी जो है इसको भी नहीं कर पाएंगे. So these are the examples of asymmetric figure. Okay students, next is your about similar and congruent figure. Similar and congruent figure. So congruent, these are the two examples of similar and congruent and similar. So congruent means what? यहाँ पर देखो congruent जो है इसमें तुम difference क्या है, ये दोनों में difference क्या है पता करो तो. तो देखो congruent means what? congruent figures have same shape and size. congruent figures में क्या होता है? जो दो object होता है, जो दो figure होता है same shape, shape भी same रहेगा और size भी equal रहेगा, equal size रहेगा. but in similar, similar means what? वो दिखने में तो same दिखेंगे but their size is different. तो जो तुम्हारा टू ऑब्जेक्ट रहेगा, टू फिगर्स रहेगा, वो दिखने में सेम दिखेंगे पर उसका अगर साइज छोटा बड़ा होता है तो उनको क्या बोला जाता है? सिमिलर फिगर. और जो तुम्हारा सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा, तो वो क्या होता है? तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट फिगर. ओके सो हियर इज सम एग्जांपल. ओके इसको देखकर तुम डिफरेंस पता कर सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा और सिमिलर कौन सा होगा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड हियर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर. ओके सो स्टूडेंट्स कम टू योर एक्सरसाइज 11.1. हियर सम पिक्चर्स आर गिवन. आइडेंटिफाई द शेप एंड मेंशन द नंबर ऑफ साइड्स इट हैज. तो साइड्स जो होता है वो मालूम है ना? तो देखो इन दिस फिगर हाउ मेनी साइड्स आर देयर? देयर आर फोर साइड्स. And in this figure also four side, 1, 2, 3, 4. And in this figure 1, 2, 3 side. But this one has no side. It has only circumference. Okay. Next, come to the number 2. Complete the following table. Here a table is given and some solid names are also given. Write their numbers of faces, number of edges, number of vertices. ये तुम क्या करोगे? ये क्यूब का कितना फेस है, कितना एज है, कितना वर्टिसेस है, ये सब फिल अप करोगे. ओके नेक्स्ट कम टू नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स कौन सा सॉलिड शेप है वो तुम्हें बताना है. जैसे कि एन ऑरेंज इज शेप्ड लाइक व्हिच सॉलिड. ऑरेंज जो होता है हमारा कैसा होता है? गोल होता है. तो कौन सा शेप को ये बता रहा है? कौन सा शेप है ऑरेंज का? दैट इज योर स्फीयर शेप. ओके नेक्स्ट द डाइस आर शेप्ड लाइक व्हिच सॉलिड. डाइस मीन्स क्या होता है? लूडो खेलते हो ना, देखे हो तो होता है तुम्हारा डाइस.
डाइस आर शेप्ड लाइक व्हिच सॉलिड, तो वो कैसा होता है, क्यूब जैसे होता है, सो हियर योर आंसर इज क्यूब. नेक्स्ट, योर मैथ बुक इज शेप्ड लाइक व्हिच सॉलिड, तुम्हारा मैथ बुक जो है, ये बुक जो देख रहे हैं, ये कौन से शेप में है, क्यूब में है, क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में, सो द आंसर इज क्यूबॉइड. नेक्स्ट, योर प्लैनेट अर्थ इज शेप्ड लाइक व्हिच सॉलिड, हमारा प्लैनेट अर्थ, अर्थ जो है, हम जहाँ पर है, जो धरती है, ये अर्थ एक प्लैनेट है, तो कौन सा शेप में होता है, तुम्हारा सॉलिड, सॉरी स्फीयर शेप में. नेक्स्ट, ए क्लाउन्स हैड इज सिमिलर टू व्हिच सॉलिड, क्लाउन का कैप जो होता है, हेड जो होता है, वो कौन सा शेप में होता है, तुम्हारा कोन शेप. ओके, नेक्स्ट, ए ग्लू स्टिक इज शेप्ड लाइक व्हिच सॉलिड, ग्लू स्टिक, ग्लू स्टिक देखिए ना कौन कैसे होता है, सिलेंडर जैसे होता है कि नहीं, लंबा सा होता है, सो दैट इज योर सिलेंडर शेप. ओके, नेक्स्ट, टर्न योर फेस एंड कम टू द फोर नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर मीन्स क्या होता है, जिसमें ओपनिंग कहीं पे नहीं रहेगा, और ओपन फिगर मीन्स तुम्हारा जहाँ पे ओपनिंग होता है, सो इनमें से तुम कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा ओपन है, खुद करना. ओके, करना. नेक्स्ट, क्रॉस ऑल द फिगर्स इन द ग्रुप गिवन बिलो दैट आर एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मीन्स जिसको हम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो होता है तुम्हारा एसिमेट्रिकल. तो इनमें से, ये फिगर में से हम कौन कौन सा पिक्चर को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको देखना, और जो नहीं हो पाएगा उसको क्रॉस करना. नेक्स्ट, मेंस सिक्स नंबर, मेंशन एटलीस्ट 10 फिगर्स व्हिच आर सिमेट्रिक, 5 फ्रॉम होम, 5 एट स्कूल. तो देखो, घर का 5 चीज लिखना है जो कि सिमेट्रिक है, और स्कूल का भी 5 चीज लिखना है जो कि सिमेट्रिक है, यहाँ पे लिखना. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर एंड नाइदर ऑफ द फॉलोइंग. तो देखो, इनमें से ये तुम्हारा मेन फिगर दिया गया है, तो इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा, ये जो 3 ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा, वो तुम्हें बताना है. ओके, नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज योर पैटर्न्स. पैटर्न्स मीन्स व्हाट, पैटर्न्स आर द रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग्स और नंबर्स इज कॉल्ड पैटर्न. पैटर्न मीन्स क्या होता है, कोई भी अगर सेप को हम रिपीट करके लिखते हैं, या फिर बनाते हैं, या फिर नंबर्स को हम रिपीटली लिखते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को रिपीटेडली अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो होता है तुम्हारा क्या, पैटर्न होता है. सो यहाँ पर देखो, तुम्हारा कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. हियर 3, फर्स्ट में लिखा गया है 3, नेक्स्ट 3 प्लस 3, 3 टू प्लस हुए, यहाँ पर 4 टू प्लस हुए, तो इससे हमें क्या क्या हो रहा है, एक आइडिया मिल रहा है कि हमें इसके बाद 5 टू प्लस करना, फिर 6 टू 3 प्लस करना, ऐसे करते जाना है, जिससे कि तुम्हें एक आइडिया मिल जाता है कि ये ऐसा ही जा रहा है, तो उसे बोलते हैं क्या, पैटर्न. यहाँ पर देखो, दीज आर द शेप्स हैविंग इक्वल साइज एंड इक्वल शेप. तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, ये सब इक्वल है, सेम है कि नहीं, तो इसके बाद इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, फिर ये दोनों के बीच फिर ये पैटर्न फॉर्म हुआ है कि नहीं. यहाँ पर भी वैसे एक ब्लू ट्रायंगल, एक हाँ लाइट है या डार्क है, डार्क लाइट लाइट ऐसे करके इसको अरेंज किया है, किया गया है, तो ये इससे हमारा क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है. तो देखो स्टूडेंट्स, तुम्हारा एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 176 यहाँ पर दिए गए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड कंप्लीट द फिगर्स. ये जो आधा तुम्हारा पैटर्न बनाया गया है, इसको देखकर तुम्हें इसका बाकी का आधा को कंप्लीट करना है, ऐसे देख देख कर. ओके, इसमें भी ऐसे करना. नेक्स्ट, कम टू योर नंबर 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड ड्रॉ द फिगर दैट फॉलोज. फर्स्ट देखो ब्लैक 1, नेक्स्ट रेड येलो, देन मैरून. ओके, नेक्स्ट फिर ब्लैक व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड येलो, नेक्स्ट मैरून, है कि नहीं, ऐसा है. तो ये एक पैटर्न में जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, मैरून के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, ब्लैक एंड व्हाइट, तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का बॉल बना होगी,
नेक्स्ट रेड एंड येलो. नेक्स्ट ये येलो रेड येलो ब्लू, येलो रेड येलो ब्लू. नेक्स्ट क्या होगा, येलो रेड. ओके नेक्स्ट कम टू योर नंबर थ्री. नंबर थ्री देखो यहाँ पर है तुम्हारा एग्जाम्पल 2, 6, 10, 14 and 18. ये तुम्हारा एक पैटर्न में लिखा गया है, तो उसके बाद तुम्हें और टू नंबर्स लिखना है. तो कैसे लिखोगे, देखो कैसे मालूम होगा, ये दोनों को माइनस करोगे. 6 minus 2 4, 10 minus 6 4, 14 minus 10 4, 18 minus 10 14 4. तो यहाँ पर तुम्हें क्या हुआ, 4 सब नंबर्स में ऐड हुआ है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 4 ऐड कर देंगे. तो 18 प्लस 4 इज योर 22 एंड 22 प्लस 4 इज योर 26. तो तुम्हारा पैटर्न कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल फ्रॉम योर अल्फाबेट ई नंबर ए सी ई जी. ओके तो नेक्स्ट लेटर क्या होगा देखते हैं. ए के बाद क्या हुआ, बी को छोड़ दिया, सी आया, सी के बाद डी छोड़ गया, फिर ई आया, ई के बाद एफ, नेक्स्ट जी के बाद ई एफ जी एच. तो यहाँ पर क्या हुआ, एच के बाद आई, आई के बाद जो आएगा क्या होगा, आई जे को छोड़ दो और उसके बाद आएगा के. सो इन दिस वे यू कैन राइट ऑल द पैटर्न्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर थ्री. सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर नंबर 11 सेप एंड पैटर्न्स इज ओवर एंड डू ऑल द नंबर्स बाय एंजॉयिंग ऑन योर बुक एंड कॉपी. ओके थैंक यू, हैव अ गुड डे.